Well, hi guys, good morning, very and beautiful good morning. Welcome back again. मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। कल गाइज एक न्यूज बहुत तेजी से सर्कुलेट हुई, उसको देखकर मैं भी शॉक्ड हुआ कि इसराइल के प्रेसिडेंट के घर पर ड्रोन से अटैक किया गया। और बिलीव मी गाइज, बहुत बड़ा कंसर्न था वो, तो ये अच्छा हुआ कि वो घर में नहीं थे। और इसको कहीं ना कहीं क्लेरिफाई किया है कि हाँ ऐसा हुआ है, वहां की मीडिया ने, लेबनान ने ये अटैक किया। ठीक है, बात ये नहीं कि अटैक हुआ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के घर पर हुआ, कंसर्न क्या है जो देश इतना बड़ा मतलब आयरन ड्रोम करके उसके पास इतनी मतलब टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी से कि ऐसे कैसे एक ड्रोन बच गया कि उसने प्रेसिडेंट हाउस पर जाकर निशाना बना दिया। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इतने टाइम से, आप हवा में ही मिसाइल को क्रैश कर रहे हैं इतने टाइम से, वो सिस्टम कैसे फेल हो सकता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो इनका ड्रोन सिस्टम है ना, उसमें 3 टाइप के ड्रोन सिस्टम होते हैं और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर आपको ये लगता है, हमें ये लगता है कि वो हवा में मिसाइल ऐसे ही क्रैश कर रहे हैं या मिसाइल को तहस नहस हवा में ऐसे ही कर रहे हैं, तो भूल जाइए गाइस, एक बहुत बड़ा अमाउंट उनको एक मिसाइल को क्रैश करने में हवा में लगाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और अब तक सोचिए कितने सारे मिसाइल उस ड्रोन के थ्रू हवा में क्रैश किए गए। तो आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है, ये इजराइल की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है? ये इम्पैक्ट जरूर डालेगा गाइस। और ये बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है उनका, टेक्नोलॉजी फेलियर है कि प्रेसिडेंट के हाउस को वो टारगेट बनाने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा मार्केट पर, वो देखने को मिला है, क्योंकि इसराइल यहां चुप नहीं बैठेगा। इसराइल हिजबुल्लाह पर अटैक करेगा, जो कि उसने रात से स्टार्ट कर दिए। ये फाइट, ये लड़ाई एस्केलेट होने वाली है, जो कि अभी 2 दिन पहले ये मान के चला जा रहा था कि शायद अब यहां पे सीज फायर होने का टाइम आ चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडन भी ये बोल चुके थे कि इसराइल को ईरान के जो वहां पर जो उनका परमाणु बम वाला संस्थान है कि उस पर अटैक नहीं करना है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं रिजोल्व होती हुई नजर आई थी, लेकिन इसमें आग में घी डालने का काम कल हो चुका है। अब ये एस्केलेट होगी तो इसका इंपैक्ट आपको क्रूड ऑयल पर देखने को मिल सकता है कल। ये मेजर कंसर्न है कि मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक। गाइज, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट आ चुका है, प्रॉफिट वीक है, ठीक है ना, कंसर्न है पहला। और दूसरा, इस बैंक का सबसे बड़ा कंसर्न है वो है एनपीए। अब मैं एक बार नोट कर रहा हूं, सारे बैंक के रिजल्ट में अगर मैं एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखता हूं, मैं कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट देखता हूं, मैं आरबीएल बैंक का रिजल्ट देखता हूं, अगर एक्सिस बैंक को इसमें से हटा देता हूं, तो सारे बैंक के रिजल्ट में एनपीए बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। अब क्यों बन रहा है, आप समझने की कोशिश करना। एक टाइम पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने एक अपने बजट में बैड बैंक बनाने की घोषणा की थी। अब जो सारे एनपीए थे उस टाइम, उस एनपीए को उठाकर उसमें डाल दिया गया। गाइस, उसके बाद में जो ने अब एनपीए खड़े हुए उस ड्यूरेशन से अब तक, अब वो मेजर कंसर्न बनते जा रहे हैं। और ये एनपीए बार बार बैंक के रिजल्ट में अब शो होता हुआ नजर आएगा। अभी तक के रिजल्ट में हम क्या देखते थे इससे पहले के रिजल्ट में, कि एनपीए हर बैंक का डाउन आता था, लेकिन इस बार के रिजल्ट में एक्सिस बैंक को हटा दो, बाकी बैंक्स में एनपीए बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एनपीए उसका डैमेज कर रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखिए, ईयर उनके जो डिपॉजिट है 15% इंक्रीज हुए, समझ में आता है, अच्छी परफॉर्मेंस है। कमेंट्री में मैनेजमेंट बोलता है कि 14% का रिटर्न बहुत अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव है। कासा इनका गिरा है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम है। अगर मैं क्यू क्यू ऑन क्यू पर अगर डिपॉजिट ग्रोथ को मैं कंपेयर करता हूं, तो क्यू ऑन क्यू पर कुछ भी खास मुझे नजर नहीं आता है। अगर वाई ऑन वाई पर देखता हूं तो 15% की ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन क्यू के ऊपर देखता हूं तो मुझे कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता एचडीएफसी बैंक में। और इस उस ये रिजल्ट लास्ट क्वार्टर से बेटर है, जो अभी रिजल्ट आया है वो लास्ट क्वार्टर से बेटर है। नो डाउट एनपीए इंक्रीज हुए, ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक के एनपीए इंक्रीज हुए, वो मेजर कंसर्न बन सकता है। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक, मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एनपीए की। वहां पर भी आपको एनपीए इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और गाइस, उनका
जो रिटर्न ऑफ ऑन एसेट है ना वो भी डिक्लाइन हुआ है। आप सोचिए कि एक्सपेंसेस इनके इंक्रीज हो चुके हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ भी अच्छा रिप्रेजेंट नहीं किया अपने रिजल्ट में, प्रेजेंट नहीं किया कुछ भी अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने अच्छा करने की कोशिश की है, नो डाउट। अब मार्केट इसको इस पे कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस इन रिजल्ट को देखकर कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, ठीक है, नो डाउट पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा कंसर्न हो चुका है कि इजराइल का, कि भाई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पर अटैक हो गया, वो भी कंसर्न हो चुका है। बैंकों का एनपीए इतना इंक्रीज हो जाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता था। कोटक महिंद्रा बैंक का एनपीए इंक्रीज, ग्रोस एनपीए इंक्रीज, एचडीएफसी बैंक का एनपीए इंक्रीज, ग्रोस एनपीए इंक्रीज, एकदम से क्या हो गया, क्या इतने बड़े बड़े एनपीए खड़े होने लगे एकदम से इसमें बैंकों में, जो कि एक बैंक एक्सिस बैंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई उसने और उसका रिजल्ट स्टेबल था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग और गुड था, बेटर नहीं था, ठीक है ना। बेटर होता तो समझ में आता कि चलो 6% का रनअप हो जाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक इस रिजल्ट के दम पर क्या 3-4% का रनअप पॉजिटिव साइड दिखा सकता है। अगर 3-4% का रनअप पॉजिटिव साइड आता है तो एचडीएफसी बैंक के दम पर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट जा सकती है। अगर एचडीएफसी बैंक निगेटिव परफॉर्मेंस दिखाता है इस रिजल्ट के दम पर, क्योंकि कंसर्न ये है कि ये रिजल्ट लास्ट क्वार्टर से अच्छा आया, और जब लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया था एचडीएफसी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया था। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक ही चीज उसके फेवर में चाहती है कि इस रिजल्ट के दम पर उसने कोई भी रन अप नहीं दिखाया, कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, तो इसलिए हो सकता है एक टाइम पर के शायद कोटक महिंद्रा बैंक इसको इतना निगेटिव ना ले। लेकिन यह भी हो सकता है कि दोनों बैंक बड़ा निगेटिव ले, यह भी हो सकता है, क्योंकि एनपीए को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बैंक एनपीए को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए मंडे बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी इन दोनों की ओपनिंग पर डिपेंड करता है। और मैक्सिमम टाइम सैटरडे को रिजल्ट इसलिए लाया जाता है कि पोजिशन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो, जो पोजिशन बनी है उसका अगर ये वीक डेज में लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे तो एनपी इनका एडीआर ट्रेड होगा यूएस मार्केट में, अगर एडीआर ट्रेड होगा तो उसके दम पे आपको पता चल जाएगा, रिटेलर को पता चल जाएगा कि मार्केट क्या ओपन होने वाला है, मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा इन बैंक के ऊपर, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। इसलिए सैटरडे को इनका रिजल्ट लाया जाता है, ये मेरी कैलकुलेशन है। ऑपरेटिंग करने के लिए सैटरडे को बैंकों का रिजल्ट लाया जाता है, जिस साइड पोजीशन ज्यादा बने उसके अपोजिट इनको ट्रेंड करना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइज, लोड साइज चेंज हो चुके हैं इंडाइसिस के, ठीक है ना। निफ्टी का लोड साइज चेंज हो चुका है, शायद 60 क्वांटिटी का हो चुका है या 75, बैंक का 30 हो चुका है और फिन निफ्टी का 75 आई थिंक और निफ्टी का 60, मिड कैप निफ्टी का 120, ये लोड साइज चेंज हो चुके हैं। क्या इन लोड साइज को चेंज करने पर आपको लगता है रिटेलर ऑप्शंस में ट्रेडिंग बंद कर देगा? क्या एक रिटेलर जो पहले 25,000 क्वांटिटी के लिए फंड अरेंज कर सकता था, क्या वो 60 क्वांटिटी के लिए फंड अरेंज नहीं करेगा? क्या वो 75 क्वांटिटी के लिए फंड अरेंज नहीं करेगा? मजाक लगता है कि आपने लोड साइज चेंज कर दिया, आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कम हो जाएगी, तो ये मेरी कंसर्न से बाहर है। मंडे के लिए गाइस मैं न्यूट्रल जा रहा हूं, मैं अपना व्यू कुछ भी नहीं रख रहा हूं आपके साथ में, मैं न्यूट्रल हूं। मार्केट को करने दीजिए, मार्केट क्या रिएक्ट करती है। अभी इसराइल का मार्केट ओपन होने वाला है, वीकेंड डाउ जोन्स में देखने वाला हूं और मंडे 6:30 पर हमें समझ में आ जाएगा कि गिफ्ट निफ्टी क्या करना चाहती है और 9:07 पर हमें यह समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या करना चाहती है, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक क्या करना चाहते हैं। तो एज ए न्यूट्रल हम मार्केट में एंटर कर रहे हैं, मंडे के लिए हमारा कोई बुलिश और निगेटिव व्यू नहीं है, मार्केट को देखते हैं मार्केट इनको कैसा रिएक्ट करेगी। अगर ओवरनाइट कुछ भी अपडेट होगा तो जरूर शेयर करूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। रिजल्ट देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, एनपीए बड़ा कंसर्न बन सकता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।